नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। 15 अप्रैल से रेल टिकट बुकिंग की जारी खबरों पर रेल मंत्रालय ने दी सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बंद के ऐलान के बाद कई लोग 15 अप्रैल से टिकट की बुकिंग की अटकलें लगा रहे थे। इतना ही नहीं, कई दिनों से मीडिया में खबरें भी सुनने में आ रही थी कि 15 तारीख से IRCTC टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, साथ ही ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अब रेल मंत्रालय ने इन बातों पर सफाई देते हुए कहा है कि 15 तारीख से ट्रेनों की आवाजाही जैसा कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। हां, टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू है, मगर ट्रेनों के परिचालन जैसे किसी भी बात की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है कि IRCTC की वेबसाइट हमेशा से खुली हुई थी। सिर्फ 14 अप्रैल तक बंद के कारण ट्रेनों के परिचालन बंद थे, मगर वेबसाइट पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रही थी। वहीं इसके साथ ही 14 के बाद टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन कोरोना के मौजूदा हालात को देखकर ही ट्रेनों के परिचालन पर कोई फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए यह भी कहा है कि अगर 15 तारीख के बाद भी ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगती है तो यात्रियों के टिकट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे और उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस पहुंच जाएंगे। कोरोना के नए इलाके में फैलने के लिए सरकार ने तैयार की नई रणनीति। भारत के कई इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इतना ही नहीं, कोरोना पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय रोकथाम रणनीति के तहत काम करने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने उन जिलों के नाम को भी चिन्हित किया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली समेत लद्दाख का नाम भी शामिल है, जहां पर कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और आने वाले समय में भी इसके इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। MEA ने इमरान खान को फिर जम्मू कश्मीर के मामले से दूर रहने के लिए नसीहत। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्ती से समझाते हुए साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान बेवजह बिना बात के बीच में ना कूदे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर बोलने का अधिकार पाकिस्तान को कभी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के नियम को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने डोमिसाइल नीति पर भारत सरकार के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान का सीधा उल्लंघन करार दिया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने उनके इस दखल अंदाजी पर टिप्पणी की थी और कहा था कि भारत के आंतरिक मामले में बार बार दखल देने की पाकिस्तान की कोशिश, उसके बेकार के दावे को कहीं भी स्वीकार नहीं होने दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के मुफ्त में कोरोना जांच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में अपना एक बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के कोरोना की जांच मुफ्त में करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए NHA ने कहा कि इससे कोरोना से निपटने के लिए देश की क्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अगर मिला दे तो इससे लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने वाला है, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि इस योजना के तहत आने वाले 50 करोड़ लाभार्थियों की जांच और इलाज आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका से फोन पर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, जिसके तहत इन दोनों ही राजनेताओं ने कोरोना के खिलाफ इस जद्दोजहद में दोनों देश अपने मिलीभगत के साथ, अपने शानदार साझेदारी के साथ पूरी ताकत के उपयोग करके स्थिति से बाहर निकलेंगे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर हैंडल से साझा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसके तहत हमारी चर्चा काफी अच्छी रही है और हमने कोरोना से निपटने में भारत अमेरिका साझेदारी की पूरी ताकत का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा लगभग 3 लाख पहुंच चुका है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। बंद के दौरान गंगा नदी पर पानी हुआ साफ। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए भले ही इस बंदी ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी है, मगर इस बंदी का सबसे ज्यादा फायदा प्रकृति को पहुंच रहा है। जहां एक तरफ बंद के कारण हवा का स्तर सुधारने की खबरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत गंगा नदी के पानी के पवित्र होने की बात कही गई है, जिसकी जानकारी IIT BHU वाराणसी के प्रोफेसर डॉक्टर PK मिश्रा ने हाल ही में दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद के कारण गंगा की स्थिति बेहतर हो गई है। इसमें गंगा नदी के पानी में 40 से 50% सुधार भी देखा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। या तो बंद के कारण सभी फैक्ट्रियां बंद है, जिसकी वजह से किसी भी फैक्ट्री का गंदा पानी गंगा नदी में नहीं गिर रहा है। सिर्फ प्रोफेसर का ही नहीं बल्कि वाराणसी के स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि बंद की वजह से गंगा का पानी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आवश्यक चिकित्सक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों की योजना एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया था, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक ट्वीट में की गई है।
इतना ही नहीं, जारी किए गए इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में अस्पतालों की उपलब्धता, अलग थलग रखने की सुविधा के साथ साथ कोरोना की देखरेख एवं जांच की प्रक्रिया के बारे में समीक्षा किए जाने की बात भी कही गई है। एक दिन में कोरोना के 600 और नए मामले के आने के बाद मास्क लगाकर निकलने की एडवाइजरी जारी की गई। उक्त आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने हाल ही में जारी किया है। ज्ञात हो बीते दिन एक दिन में 601 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नया एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसके तहत सरकार ने एक परामर्श जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना को रोकने के लिए घर पर बना मास्क लगाने की नसीहत दी है, खासतौर पर जब वह घरों से बाहर निकल रहे हों तब तो और ज्यादा है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि चेहरे और मुंह के बचाव के लिए घर में बने सुरक्षा कवर के इस्तेमाल पर परामर्श में सरकार ने ऐसे मास्क को इस्तेमाल करने पर सोच विचार किया है जो बड़े पैमाने पर समुदाय का बचाव कर सके, क्योंकि कोरोना से प्रभावित कई देशों के घर में बने मास्क से आम नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। सिंगर कनिका कपूर को जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। सिंगर कनिका कपूर कुछ दिनों पहले ही SGPGI अस्पताल में कोरोना से प्रभावित होने के कारण भर्ती हुई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आ रही थी, मगर अब उनकी आखिरी रिपोर्ट गलत आई है। हालांकि अभी एक और रिपोर्ट आनी बाकी है, मगर डॉक्टर्स की माने तो उन्हें बहुत जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से वापस आई थी, जिसके बाद 20 मार्च को उन्होंने अपने कोरोना होने की सार्वजनिक सूचना दी थी। इसके बाद उनके द्वारा खुद को कोरोना होने की खबर छुपाने और लापरवाही बरतने के लिए खूब सारी आलोचनाएं भी हुई थी। जनधन खाते में 1500 डालेगी मोदी सरकार। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान किया था, वहीं जिसके बाद जरूरतमंदों को पैसा पहुंचाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उनके हित में एक अहम कदम का ऐलान किया है, जिसके तहत निर्मला सीतारमण ने जनधन खाते में अगले 3 महीने तक हर महीने 500 डालने का ऐलान किया है। यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कदम से लगभग 20 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करा रही है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि बंद के कारण काम पूरी तरीके से बंद है, जिससे अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कमजोर तबके के लोगों पर पड़ा है। धरती का कंपन 30-50% तक कम होने का किया गया दावा। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अधिकांश देशों में या तो बंद है या लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है, और यही कारण है कि 4 अरब की आबादी वाली आधी दुनिया घरों में रहने पर मजबूर हो गई है। इतना ही नहीं, परिवहन और उद्योग धंधों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। इन सबको बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत भूगर्भ वैज्ञानिक ने यह पाया है कि अशांति धरती की ऊपरी परत पर कंपन का स्तर बड़ी मात्रा में घट रहा है। वहीं बेल्जियम में रॉयल ऑब्जर्वेटरी के भूविज्ञानी थॉमस लेखन ने कहा है कि यह कंपन बसों, कारों, ट्रेनों और फैक्ट्रियों के चलते से पैदा होती थी। वहीं अब सब कुछ बंद होने की वजह से कंपन काफी हद तक कम हो गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार को आपके अनुसार और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।